बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सजल फैब्रिक आर्ट। आज हम इस वीडियो में डिटेलिंग के साथ ब्लैंकेट और कॉलर की कटिंग किस तरह से मेयर करते हैं डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती कट कर ली है और जो कॉलर जब हम लगाते हैं तो उसके लिए हमेशा जो फ्रंट पैनल होता है वो एक इंच कम होता है और जो बैक पार्ट होता है बैक पैनल होती है वो एक इंच एक्स्ट्रा कट की जाती है। अब हमने गले की कटिंग करनी होती है तो वो हमने चेस्ट के हिसाब से कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास चेस्ट का माप है वो 38 है, तो 38 को हमने 12 पे तकसीम करना है तो जो हमारा आंसर आएगा हमने उतनी लंबाई और चौड़ाई रखनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 3.1 आ रहा है, यानी 3 इंच 1 सूत। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई और लंबाई दोनों 3 इंच 1 सूत रखी है। मार्क करना है चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच 1 सूत पे निशान लगाए हैं और यहाँ जब हमने इसकी राउंड देना है तो हमने बोट नेक की तरह यहाँ पे राउंड देना है, वो बिल्कुल गलाई नहीं देनी। जैसे बोट शेप हम बनाते हैं, नेक बोट जो होता है, तो उसी तरह हमने यहाँ पे इसकी शेप देनी है। तो अब बैक पैनल हमारा 1 इंच, उसकी हमने लंबाई रखनी होती है तो वो हमारा 1 इंच पहले ही कट हुआ हुआ है, तो उसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1 सूत का जो चौथाई हिस्सा होता है वो हमने एक्स्ट्रा रखना होता है। यानी मैंने जो फ्रंट लगाया था वो 3 इंच 1 सूत था, तो हमने पीछे वाला जो है वो 3.25 इंच पे निशान लगाना है, यानी 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने ज़्यादा रखना होता है बैक पार्ट का। तो यहाँ पे हमने जो है निशान लगा लिए हैं, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से समझा करें, देखा करें, फिर ही बात समझ में आती है। अगर आप समझेंगे नहीं, स्किप करेंगे, तो इस तरह बात समझ में नहीं आएगी और आपका कॉलर ख़राब हो जाएगा। यहाँ हम स्टैंड कॉलर लगा रहे हैं, ये राउंड फ्लैट कॉलर नहीं है, स्टैंड कॉलर है। ये उसकी कटिंग और मेजर मैंने बताई है। तो यहाँ ब्लैंकेट के लिए मैंने कैनवस पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई इसकी मैंने 12 इंच रखी है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे मैं पौने इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी और जो इसकी लंबाई है वो मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऊपर हमने 3 इंच का निशान लगाया था गुलाई की जो कट की है, नीचे 4 इंच, तो मैक्सिमम 7 इंच हमारा जो गला है वो रेडी होगा। तो ये हमारा इनफ है कॉलर के लिए। तो यहाँ अब 1.25 इंच पे हमने एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी लाइन ड्रॉ की है और जो बीच में से हमने कट लगाना है उसको हमने 1 सूत का ही कट देना होता है, 1 सूत से ज़्यादा नहीं, तो वो उस तरह से फिर हमारा जो कट होता है वो ख़राब हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे 1 सूत का मार्जिन रखना है आपने और यहाँ पे अब कटिंग कर देनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको पिन करके तो फिर कटिंग करें, इस तरह आपकी जो है ना कटिंग अच्छी होगी। तो यहाँ पे हमने कटिंग जो है वो कर ली है, हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको फैब्रिक पे हम पेस्ट करेंगे, तो मैंने फैब्रिक पे पेस्ट किया है और साइड में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था उसको मैंने सिलाई कर लिया है। अब फ्रंट पैनल लेंगे, उसको दरमियान में से यहाँ से कट कर लेंगे और इसको हमने स्टिच करना है। तो इस तरह हमने इसको ऊपर रखते हुए दरमियान वाली जो हमारी क्रीज है उस पर रखना है और हमने सिलाई कर लेना है। पहले हम यहाँ से वी जो हमने कट की है उसको स्टिच करेंगे, तो उसको दरमियान में से स्टिच कर लें, फिर साइड वाली हमने सिलाइयाँ लगानी है और कैनवस पेपर के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। इस पॉइंट पे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप मेरे टीम का हिस्सा बने रहें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाइयाँ जो हैं वो लगा ली हैं, हमने ब्लैंकेट जो है वो अटैच कर ली है।
अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग जब करनी है तो हमने बस एक सूत या दो सूत का ही जो है मार्जिन देना होता है, ज़्यादा नहीं छोड़ना होता है। इस तरह सफाई से हमारी ब्लैंकेट जो है वो पलट जाती है। तो यहाँ पे एक सूत का ही मैंने मार्जिन दिया है और दरमियान में से जो हमने सिलाई लगाई थी इसको भी हमने कट करना है। बस ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट ना हो, इसको कटिंग करना है। और कोनों पे भी हमने छोटे छोटे नोचिस इस तरह से लगा लेने हैं। इस तरह जो हमारा ये नीचे वाला कोना है ये सफाई के साथ पलट जाता है। तो इसको हमने इस तरह से पलट लेना है और एक बार आयरन कर लेना है ताकि इसमें कोई छोर छोर ना आए। तो यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है। अभी मैंने ये नीचे बंद करने के लिए स्लेट यहाँ पे पट्टी तैयार की है और ये मैंने लूप्स तैयार किए हैं। लूप्स की जो लंबाई है वो 2 इंच रखी है। यहाँ पे मैं लूप्स लगा रही हूँ। आप लूप्स नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे पट्टी नीचे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूप्स लगा रही हूँ और लूप्स लगाने के लिए यहाँ मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि उनमें मैं गैप दे रही हूँ। और आपने अगर गैप नहीं देना तो आप साथ साथ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैप देकर लूप्स अटैच की हैं। तो यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं अटैच पहले कर लूँगी। इसका एक फ़ायदा ये होता है के सफाई के साथ हमारी जो लूप्स हैं वो अटैच हो जाती हैं। आप इसको पहले स्टिच भी कर सकते हैं लेकिन मैं यही मशवरा दूंगी आपको कि आप इसको पहले फैब्रिक ग्लू के साथ चिपका लें और फिर इसको स्टिच करें, क्योंकि इस तरह ये हमारा जो है ना आसानी के साथ स्टिच भी हो जाता है और इसमें सफाई भी आती है। तो यहाँ पर मैंने जो निशान लगाए थे उन्हीं निशानात पर मैं इनको अटैच कर लूँगी। आप अगर गैप नहीं छोड़ना चाहते तो आप वैसे भी साथ साथ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो दो करके लूप्स अटैच किए हैं। तो ये हमारी लूप्स जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। ये पट्टी मैंने यहाँ पे, मेरा पार्ट स्किप हो गया था तो ये पट्टी मैंने यहाँ पे नीचे सिंपल इस तरह रख कर ऊपर सिलाई लगाई है और इसको हमने अटैच कर लिया। दूसरी साइड पर हमने जब इसको अटैच करना है तो उसको बंद करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें बीड्स यूज़ कर रही हूँ। तो वो हमने सिंपल इस तरह से बीड्स लेने हैं और इन लूप्स के अंदर हमने अटैच कर लेने हैं। इस तरह हमारा दूसरा जो है पार्ट वो भी साथ में अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली हमने इसको लूप्स लगाते जाना है और साथ में दूसरा पार्ट भी अटैच करते जाना है। नीचे हमने पट्टी एक्स्ट्रा लगाई हुई है, उससे ये है कि ये हमारा खुलेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से हमारा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो बीड्स हैं वो लगा लिए हैं और इसी तरह हमने ये सारी लूप्स में बीड्स जो हैं वो लगा कर इसको हमने बंद कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बीड्स लगा लिए हैं, नीचे से तरपाई कर ली है और ये जो जहाँ से वी कट है वहाँ पे मैंने 2-3 सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि वी हमारी जो है वो मजबूत हो जाए। तो अभी यहाँ पर हम बैक पार्ट जो है, यहाँ से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकले उसको हम कट कर लें, गुलाई की जो है वो ध्यान रहे। तो यहाँ पे हम बैक पैनल मैंने अटैच कर लिया। अब हमने यहाँ पे कॉलर की जो है वो मेजर करनी है। जब हमने कॉलर की मेजरमेंट करनी है तो यहाँ से हमने ध्यान से करनी है। यहाँ हमने बिल्कुल ऐसे रखते हुए इसको माप कर लेना है कि हमारा कॉलर कितना तैयार होगा। तो यहाँ पे जो मेरे कॉलर की लंबाई आ रही है वो 8 इंच एक सूत आ रही है। एक सूत भी अगर है, दो सूत हैं तो आपने उतनी ही कटिंग करनी है, वो सूत वगैरह को आपने इग्नोर नहीं करना। तो यहाँ पे मेरा 8 इंच एक सूत आ रहा है। हम इसको इस तरह से कैनवस पेपर लेंगे, इसको पिन करके पिन करेंगे और यहाँ से जो हमारी टोटल लेंथ होती है उससे हमने 1 इंच कम रखना होता है। तो वहाँ पे मेरी जो टोटल लेंथ आई थी वो 8 इंच एक सूत थी। तो यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया है लंबाई में वो 7 इंच एक सूत लगाया है। 2 इंच यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3 इंच हमारा जो है वो स्ट्रेट आता है। तो यहाँ से हमने राउंड देना है। ये स्टैंड कॉलर है, फ्लैट कॉलर नहीं है। फ्लैट कॉलर के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं सारी डिटेल बताऊंगी। ये मैं स्टैंड कॉलर बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 1-1 इंच का मैं यहाँ पे 1.25 इंच का जो है मार्जिन देके दे रही हूँ। और आप चाहें तो 1 इंच का भी कॉलर बना सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का कॉलर तैयार करने लगी हूँ। तो ये हमने निशान लगाए हैं, तो इन निशानात को भी हमने आपस में इस तरह से मिला लेने हैं। और अब हमने मेजर करने हैं, जितना हमारा कॉलर है उतना हमने इस पे निशान लगा लेने हैं। तो हमारा जो कॉलर है वो 8 इंच 1 सूत है, तो यहाँ पे हमने इसको 8 इंच 1 सूत पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच 1 सूत पे निशान लगा लिया है। आप इसको ऊपर वैसे भी ही इस तरह से कट नहीं, मतलब इस तरह में कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी हल्की सी राउंड शेप दे रही हूँ। तो अभी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पेस्ट कर लिया है और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन जो मैंने छोड़ा था उसको फैब्रिक ग्लू के साथ मैंने चिपका लिया है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमने दरमियान यहाँ से कोने से स्टार्ट करना है और इसकी हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कैनवस पेपर के साथ साथ आए। इस तरह हमारी जो है कॉलर में नीटनेस आती है। तो इस तरह से हमने इसको कैनवस पेपर के साथ साथ सिलाई कर लेना है, स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो कपड़ा था उसको साथ में अटैच कर लिया है। अभी यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पे हमने हल्के छोटे छोटे नोचेस लगा लेने हैं, क्योंकि उससे हमारा जो है कॉलर आसानी के साथ पलट जाएगा और उसमें हमारी नीटनेस आएगी। अभी यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अभी इसको पलट के एक बार आयरन कर लेंगे ताकि हमारा कॉलर जो है उसमें नीटनेस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है और ये बहुत ही नीट सा हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब हमने इसके दोनों यहाँ से जो कोने हैं उन्हें हम कट करेंगे और इन कोनों को आपस में मिलाते हुए इसका जो दरमियान है वहाँ पे हमने एक गुटका लगा लेना है। अब एक दफ़ा हमने कुर्ती लेनी है और इस तरह से इसको माप कर लेना है कि हमारा कॉलर जो है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने माप किया है तो हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से दरमियान में रखते हुए मिलाते हुए हमने इसको स्टिच करना है। कुर्ती मैंने उल्टी रखी हुई है और इस तरह से हमने कॉलर को खोल के तो इस तरह से हमने इसके साथ अटैच करना है। आप इसको यहाँ पे दरमियान में पिन लगा के एक साइड से भी स्टिच करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसको मिड से ही स्टिच करना स्टार्ट किया है। इस तरह हमारा जो है साइडें जो होती हैं वो आगे पीछे नहीं होती, निकलती नहीं है। जैसे कि एक साइड हमारी बढ़ जाती है और एक साइड हमारी छोटी हो जाती है, इस तरह नहीं होगा। हमारा कॉलर जो है वो परफेक्ट लगेगा और नीटनेस के साथ लगेगा। तो इस तरह से एक साइड मैंने स्टिच कर लिया है, इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड भी अटैच कर ली है। अभी हम कॉलर को पलट के ऊपर वाली साइड पे लाएंगे और एक दफ़ा आयरन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है और ये बहुत ही नीट सा हमारा जो है कॉलर वो साथ में अटैच हो रहा है। तो इस एक दफ़ा इसके हम इसको प्लेट के ऊपर लाएंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं और यहाँ पे मैंने सिंगल सिलाई लगाई है।
तो यहाँ पे हमने कॉलर को अटैच कर लिया है, कॉलर हमने अटैच कर लिया है और ये बहुत ही सफाई के साथ अटैच हुआ है। ये स्टैंड कॉलर था, फ्लैट कॉलर की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।